हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न किचन इक्विपमेंट में, जहां हम फूड इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और उनसे जुड़े बिजनेस आइडियाज़ भी। सो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन्स 2+1 फ्लेवर्स में, जिसमें हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, सिंगल कंप्रेसर एंड डबल कंप्रेसर में। इनकी कंप्लीट डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। तो कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन्स 2+1 फ्लेवर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ब्लू, पिंक एंड येलो। ये मशीन आपको दो टाइप्स की मिल जाएंगी, एक सिंगल कंप्रेसर के साथ एंड दूसरी डबल कंप्रेसर में, जो प्री कूलिंग फीचर के साथ आपको मिल जाती है। बेसिकली दोनों टाइप्स की मशीन्स बिल्कुल सेम ही होती हैं साइज एंड कैपेसिटी वाइज, बस प्री कूलिंग मॉडल में आपको एक स्मॉल कंप्रेसर एडिशनली मिल जाता है हॉपर्स को कूल रखने के लिए, जिससे कूलिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। आप दोनों मॉडल्स की स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। डेमो के लिए हमने सॉफ्टी मशीन डबल कंप्रेसर मॉडल की ली है, जिसमें हम आपको ऑपरेट करने का तरीका बता देते हैं, बट उससे पहले आप इस मशीन के पार्ट्स एंड एक्सेसरीज को समझ लीजिए। ये एक्स्ट्रा डिज़ाइन शेपर्स आइसक्रीम के लिए, एक यूज़र मैनुअल, बॉडी क्लीनिंग लुब्रिकेंट, कुछ एक्स्ट्रा रबर्स एंड वॉशर्स, हॉपर्स में लगाने की 2 स्टिक्स एंड आइसक्रीम निकालने के लिए ये 3 हैंडल्स। जब आप मशीन को इंस्टॉल करेंगे तो ये स्टील रॉड की हेल्प से आपको तीनों हैंडल्स कुछ इस तरीके से लगाने हैं। चलिए दोस्तों, मशीन के बटन्स को भी समझ लेते हैं। ये है आपका पावर स्विच, उसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये है आपका फ्रीज बटन, जिससे कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये वॉशिंग के लिए, और ये है आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन। अगर आइसक्रीम के टेक्सचर को आपको एडजस्ट करना हो तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये लास्ट में कुछ एडिशनल सेटिंग्स के लिए। मशीन के अंदर प्रीमिक्स डालने से पहले अंदर से डस्ट पार्टिकल्स क्लीन करना ज़रूरी है, तो पहले हम इस मशीन में दोनों हॉपर्स में पानी डालेंगे, फिर मशीन को ऑन करके आप वॉश का बटन प्रेस कीजिए, फिर कुछ 10 से 15 सेकंड बाद वॉशिंग प्रोसेस को ऑफ कर दीजिए और हैंडल से पानी निकाल लीजिए। नाउ मशीन अंदर से क्लीन हो चुकी है। अब आइसक्रीम का प्रीमिक्स रेडी कर लेते हैं। हमने एक वनीला एंड दूसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। आप चाहें तो कोई भी 2 फ्लेवर्स एट अ टाइम मशीन में डाल सकते हैं, जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बटरस्कॉच या जो भी आप चाहें। प्रीमिक्स बनाने के लिए प्रोपोर्शन कुछ ऐसे रहेगा कि 1 kg पाउडर में आपको 4 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड करना है, सो इसका 1:4 का रेशियो रहेगा। देन उसको अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना रहे। प्रीमिक्स प्रिपेयर करने के बाद आपको इन दोनों हॉपर्स में डालना है। तो हमने एक में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला है एंड दूसरे में वनीला फ्लेवर डाला है। मैक्सिमम क्वांटिटी एक बार में आप 6 लीटर ईच हॉपर्स में डाल सकते हैं। प्रीमिक्स डालने के बाद मशीन को ऑन करिए एंड फ्रीज का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपका कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर लिड लगाकर आप इन दोनों के हॉपर्स को कवर कर लीजिए, जिससे इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जा पाए। अब आपको अराउंड 15 मिनट्स तक वेट करना है आइसक्रीम रेडी होने के लिए। उसके बाद जैसे ही आइसक्रीम रेडी होगी तो इसका यूनिट ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। सो गाइज, मशीन यूनिट स्टॉप हो गया है, दैट मीन्स आइसक्रीम इज रेडी। अब डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं, फिनिश लाइन इज कम्प्लीट। अब इससे आइसक्रीम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड दूसरा जो फ्लेवर हमने इसमें डाला है वो था वेनिला। एंड थर्ड ऑप्शन जो मिडल से निकलेगा
वो दोनों फ्लेवर्स का मिक्स होके आएगा। तो इसलिए इस मशीन को हम 2+1 फ्लेवर्स की बोलते हैं, जिससे आप बहुत ही रिच एंड क्रीमी टेस्ट की आइसक्रीम बना सकते हैं बहुत ही इजीली। हॉपर्स में जैसे जैसे प्रीमिक्स का लेवल कम होता रहे, तो आप इसमें और प्रीमिक्स ऐड कर लीजिए, जिससे आप कंटिन्यू इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और दिन के एंड में जब आप इस मशीन को ऑफ़ करें, तो पहले की तरह हॉपर्स में पानी डालकर अंदर से वॉश करना ना भूलें। अगर मशीन में कुछ प्रीमिक्स बच गया है, तो उसको निकाल कर ओवरनाइट आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक आइसक्रीम कोन की टोटल कॉस्ट की बात करें, जिसमें प्रीमिक्स पाउडर, मिल्क, कोन, इलेक्ट्रिसिटी सब मिला के आपको 5 से 6 रुपये पड़ेगी, और उसको इजीली आप 15 से 20 रुपये में सेल कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन इस मशीन से आप कमा सकते हैं। 1 घंटे में ये मशीन आपको मैक्सिमम 200 कोन तक निकाल के दे सकती है। इस मशीन की 1 ईयर की वारंटी है, एंड वारंटी पीरियड के बाद भी अगर आपको किसी भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत हो, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप इस मशीन में इंटरेस्टेड हैं या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं बिटवीन 10 to 6 मंडे टू सैटरडे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर किसी को ये प्रोडक्ट आप रेकमेंड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारी वीडियो आप शेयर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल मॉडर्न किचन इक्विपमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।